मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में चल रहे सप्त दिवसीय विशेष शिविर का गुरुवार को रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में स्वयं सेवकों ने गायन, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर अश्वनी कुमार मिश्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में 7 दिनों से कार्य कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी विष्णु प्रसाद अजित सरिया, मारवाड़ बिजनेस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी, मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनाथ गुप्ता, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, डॉक्टर स्नेहलता जायसवाल, डॉक्टर सुनील कुमार सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर अश्वनी कुमार मिश्र ने कहा, ये मारवाड़ बिजनेस स्कूल द्वारा ये 7 दिवस के राष्ट्रीय सेवा योजना का ये वार्षिक शिविर था और 7 दिनों में इन्होंने जो भी राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं, सफाई और जो भी कार्यक्रम हमारे देश के, राष्ट्र के और हमारे प्रदेश के जो भी समाज में समस्याएं हैं उनको लेकर इन्होंने 7 दिन काम किया। इनकी ये 3 यूनिट हैं, तीनों यूनिट में 75-75 छात्र और छात्राओं ने इस 7 दिवसीय शिविर में भाग लिया और 7 दिवसीय शिविर में इन्होंने सड़कों की मरम्मत की और इन लोगों ने जो कुरीतियाँ हैं समाज में उनके प्रति लोगों को जागरूक किया और इस समय चुनाव का समय आ रहा है, इसमें द्वारा मतदाताओं को भी इन्होंने जागरूक करने का काम किया। स्वच्छता और पर्यावरण इनका मेन उद्देश्य था कि भारत हमारा स्वच्छ रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीव है कि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, उसके प्रति इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को, उनके प्राचार्य को, उनके कार्यक्रम इकाई के जो कार्यक्रम अधिकारीगण हैं उनको मैं साधुवाद दे
देता हूं कि इसी तरह से जो भी राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल उद्देश्य है उस पर काम करते रहें और पूरी लगन और तन्मयता के साथ जो उद्देश्य आपको दिए गए हैं उस उद्देश्यों को भविष्य में भी पूरा सहयोग प्रदान करें। अभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इनके प्राचार्य महोदय ने पूरे हमको आश्वासन दिया है कि पूरे सहयोग के साथ उसमें भी पूरे इनके शिविरार्थी उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ रही है कि जो इनका जो महाविद्यालय है उसके अगल बगल जो बस्तियां हैं वो बड़ी सक्रिय गलियों में हैं, वहाँ पे स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। इनके विद्यार्थी आज ही नहीं पिछले वर्ष भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये काम करते रहें और कुछ अवार्ड भी प्राप्त करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके कार्य में अच्छा काम कर रहे हैं तो जो राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरार्थी हैं अच्छा काम करें, स्वच्छता में इनको अवार्ड के लिए भी अप्लाई करें। विगत वर्षों इन्होंने अप्लाई भी किया था, मुझे उम्मीद है कि ये जरूर सफल होंगे।